तो वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज आहार परिणाम का प्रभाव। व्हाट इज आहार द सब्सटेंस कंज्यूम्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक हिंदी ऑफ दैट वन इज द सब्सटेंस कंज्यूम्ड विच ऑन देयर विपाकस नरिश द रिस्पेक्टिव गुनास ऑफ द पंचमहाभूत इन द बॉडी इज कॉल्ड द आहार। इसका वर्णन किया है सूत्र स्थान में कि पंचमहाभूत के देह आहारो अपि पंचभौतिके सम्यक विपाको भुक्त्वा स्वप्नस्तु गुणा विधीयते। मीन्स ये होता है कि जो आहार होता है वो भी पंचमहाभूत से बना हुआ रहता है और हमारी बॉडी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं क्या रहता है, पंचमहाभूत से बनी हुई रहती है। तो जिसको जो गुण प्रधान मिलता है या फिर जो हमारा विपाक है उस चीज़ को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करके उसको अपनी बॉडी की एनर्जी में कंज्यूम कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। परिणाम, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ इंजेस्टेड फूड इज कॉल्ड द परिणाम। मतलब कि जो हमने खाना खाया है उसको एक प्रॉपर वे में डाइजेस्ट करके बॉडी में फिर उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करना और फिर उसको एक्सक्रीट कर देना, मतलब कहीं ना कहीं सार और किट भाग में विभाजित कर देना, वही जो होता है वो परिणाम होता है। एक प्रॉपर क्वान्टिटी जो प्रोसेस है उसको परिणाम बोला गया है। यहाँ पर परिणाम मतलब एक प्रोसेस से लिया गया है ना। चूँ चरक शारीरिक स्थान में भुगतान पचने इति क्रिया की जो प्रोसेस है, भुगतान मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है, मतलब जो पचन की क्रिया को क्या क्या कहा गया है, यहाँ पर परिणाम कहा गया है। भाव, भवती शरीर अनेन भवंती इति भाव, द फैक्टर प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड द भाव। कि जो ऐसे अपन ही कहते हैं कि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर भी बॉडी के अंदर होते हैं, तो यही जो है अपन ने आहार भी पढ़ लिया है कहीं ना कहीं कि गुरु आहार है, स्निग्ध आहार है। प्रोसेस भी पढ़ ली है अपन ने कि अष्टाहार विधि विशेषणा की प्रोसेस से अपन GIT सिस्टम में पढ़ते हैं, पर भाव क्या है, तो भाव अपन आज डिस्कस करेंगे जो कि अपने को मिलेंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार जो है ये अपने 6 भाव होते हैं। कितने प्रकार के भाव होते हैं, कहीं ना कहीं अपने को ये 6 भाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 6 जो भाव है कहीं ना कहीं आपको एक फूड में जो आपके खाने में होने चाहिए वो होते हैं। जैसे कि आपका खाना गर्म होना चाहिए, प्रॉपर वायु मतलब एक प्रॉपर क्वान्टिटी में खाना, जिससे आपको क्या हो, अपन नहीं कहते कि आपने ज़्यादा खाना खाओ को खाना खाएंगे व्यक्ति तो उसकी गैस वगैरह बनना, मतलब कि एसिडिटी वाली कंडीशन हो जाती है, या फिर वो इम्प्रॉपर वे में सीटिंग करके खाना खाएगा तो उसको कहीं ना कहीं क्या होगा कि इंडाइजेशन होगा, अपान वायु की दुष्टि होगी। क्लेद मतलब कि खाना खाते समय उसको कितना पानी का इंटेक करना है, और स्नेह मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसको ऑयल और प्रॉपर वे में बटर वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, काल मतलब एक प्रॉपर टाइम पे उसको खाना खाना है, जब खाना जीन हो चुका है, प्रॉपर वे में डाइजेस्टेड हो चुका है, तभी उसको खाने का इंटेक करना है। संयोग मतलब क्या होता है कि प्रॉपर क्वांटिटी में, कि कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं हो कि खाना खाते समय ज़्यादा बातचीत कर रहा है, बहुत ज़्यादा लेट खाना खा रहा है, या फिर क्या कर रहा है। संयोग मतलब हो सकता है कि मन के अनुकूल नहीं हो, कि आज उसका मन नहीं है फिर भी वो उस चीज़ को खा रहा हो कि दोस्त वगैरह खा रहे तो मेरे को खाना पड़ेगा, तो वो आहार परिणाम का भाव वो भाव उसके नहीं है। चलो इसकी छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं अपन। ठीक है, उष्मा, ठीक है, खाना कैसा होना चाहिए, उष्मा से और वायु से, ठीक है, उष्मा से वायु से, ठीक है, क्लेद और स्नेह ने काल संयोग किया। उष्मा वायु क्लेद, ठीक है, उष्मा और वायु ने क्लेद से स्नेह काल का संयोग किया। ये आपकी आपकी बुक में लिख लीजिएगा। अब हम थोड़ी से टाइम लगेगा तो हम इसका श्लोक बनाने की क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कोशिश करते हैं श्लोक बनाने की। तो श्लोक बनाते समय अपन क्या करेंगे, इस तरीके से आप यहाँ ध्यान दीजिए इसके ऊपर कि आहार परिणाम क्रम। तो अपन यहाँ से अपन इस चीज़ को लेंगे कि पहले अपन ने जो पॉइंट लिखा है वही अपन यहाँ पर रिपीट कर देंगे। क्या लिखेंगे कि आहार परिणाम कर भाव है ना, फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर कर के बाद में लिखेंगे अस्थि मेव भाव इति भवंती। क्या होता है भाव इति भवंती, इसके बाद अपन तदाद्या, क्या लिखेंगे तदाद्या, और जो यहाँ पर ये जो इतने 6 नाम है उन्हीं को अपन यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे उष्मा, फिर अपन लिखेंगे वायु, फिर यहाँ से लेंगे क्लेद, ठीक है, फिर यहाँ से लेंगे स्नेह, फिर ये काल संयोग चेति। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा आपके आपने पूरा जो है श्लोक कर लिया है। कैसे कर लिया है, फिर से अपन देखिएगा, अपन ने फिर से इसको पूरा क्या कर लिया है, आहार
यहाँ पर लिख लिया आहार परिणाम करा भाव इति भवन्ति तदाद्य करके, फिर अपन ने क्या कर दिया ये पूरे के पूरे नाम यहाँ पर छः के छः नाम तीन यहाँ से और तीन इधर की साइड कॉपी कर लिए हैं। तो ये आपका जो नीचे आपने नाम याद करे वो आपका चरक शारीर स्थान के अकॉर्डिंग छः के अकॉर्डिंग जो है आपके नाम बन चुके हैं। तो आपको यहाँ से ये भी याद रहेगा कि किस चैप्टर के अंदर इसका वर्णन मिलता है, वो चैप्टर जो है आपके सिक्स के अंदर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्स जो है क्या दिए गए हैं आहार परिणाम कर भाव दिए गए हैं। तो इसकी चलो अपन थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं कि आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। थस द फैक्टर्स प्रेजेंट इन द शरीर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द इनजेस्टेड फूड्स आर कलेक्टिवली कॉलेज आहार परिणाम कर कि जो भाव मैंने आपको बताया है कि जो भाव यहाँ पर दिए हुए हैं ठीक है, प्रेजेंट इन द शरीर, जो शरीर के अंदर प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं प्रॉपर वे में अपना क्या कर सकते हैं डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म करते हैं, उन्हीं भाव को अपन क्या करते हैं आहार परिणाम कर भाव माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इनके क्या गुण होने चाहिए, कुछ चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या अपने को लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे उष्मा की। तो उष्मा के अंदर अपनी को बॉडी जो होती है अपना जो फूड होता है वो उष्ण भोजन अपने को सेवन करना चाहिए। बात करते हैं वायु की, तो प्रॉपर वे में एक तो रजवत मतलब आसन जो होता है सीटिंग कंफर्टेबल, दूसरा क्या प्रॉपर क्वांटिटी में उसका सेवन का ये वायु का इंटेक। क्लेद मतलब यहाँ पर मॉइस्चर के बारे में और वाटर इंटेक के बारे में अपने को दिया गया। स्नेह मतलब होता है स्निग्ध और स्निग्ध भोजन करना चाहिए। और काल मतलब क्या होगा कि जीर्ण काल में और एक क्या होगा ना अति द्रुतम ना अति लो मतलब ना बहुत ज़्यादा फास्ट और ना ज़्यादा वेरी स्लो अपने को खाना इंटेक। और संयोग की यदि बात करूँ मैं तो संयोग में अपने को ये चीज़ यहाँ पर लेनी है कि कहीं ना कहीं वो वीर्य के विरुद्ध ना हो या फिर वो क्या हो अजीर्ण आसन इस तरीके से उसका भोजन का सेवन अपने को करने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल सून एज पॉसिबल। थैंक यू।